शुभ प्रभात द्वितीय श्रेणी बच्चों, आज हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर शब्द जैसे अ आ ई ई। हिंदी में मूल 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 आते हैं। अब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। क वर्ग में व्यंजन क ख ग घ अंघ। च वर्ग में व्यंजन च छ ज झ इय। ट वर्ग में व्यंजन ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में व्यंजन त थ द ध न। प वर्ग में व्यंजन प फ ब भ म। ये कुल 25 वर्ण हुए। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये प्रत्येक वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु जहाँ जीभा है वो मुख के प्रत्येक भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करे, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोलकर बताया, क वर्ग के व्यंजन च वर्ग, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग व्यंजन, ठीक है। आगे हैं य र ल व। ये हमारे 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु और जीभा है वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे है क्ष क्ष स ह। ये हमारे 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब है, ऊष्म शब्द से ही पता चलता है, ऊर्जा। इन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ तथा बीच ही बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे है क्ष त्र ग्य श्र। ये हमारे 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड ढ 2 अलग व्यंजन हैं जो ढ और ढ की श्रेणी में आते हैं। जैसे ढ डंडा, ढ ढेला, अड़ घड़ा, ढ पढ़ना। इन्हें संक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। धन्यवाद।